गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रावत में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। जैसे कि आपको कल के व्लॉग से पता ही चल गया होगा कि मैं देहरादून आ रखी हूँ और आज मेरा दूसरा दिन है देहरादून में। मतलब हम कल आ गए थे शाम को और अभी मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। गुड मॉर्निंग भी नहीं, वैसे गुड आफ्टरनून हो चुका है। हाँ, 12:30 हो चुका है और सास जी और थारे ये लोग हॉस्पिटल जा रखे हैं क्योंकि मेरी सास जी के घुटने में दर्द हो रहा है, जिस वजह से वो देहरादून आई थी अपने पैरों का इलाज कराने। तो सब लोग हॉस्पिटल गए हैं और मैं भी अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ घर का। दिन की दाल भी मैंने उबालने रख ली है। अब मुझे अकेले यहाँ आ रही है बोरियत, तो मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ अकेले अकेले यहाँ। वो लोग तो पता नहीं कब तक आएंगे क्योंकि हॉस्पिटल में जाके थोड़ा लग ही जाता है काम। कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, एक्सरे वगैरह कराने के लिए बोलेंगे, तो हो सकता है कि उनको टाइम लग जाए। तो उनके आने आने तक मैं खाना बना दूँगी। दाल तो रखी है मैंने, पहले उनको फ़ोन करूँगी कि क्या है वहाँ का सिस्टम। और देहरादून का मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ कैसा है। ये कुछ ऐसा मौसम है गाइस देहरादून का, हल्की हल्की सी बारिश लगी हुई है और इस छत में जहाँ पे मैं हूँ इतनी ज़्यादा फिसलन हो रही है। अभी मैं गिर भी गई थी यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा फिसलन हो रही है। और अगर वो लोग आएंगे तो मुझे यहाँ पे से पता चल जाएगा कि आ गए। और देखो सास जी और ये भी आ गए, कुल्लू नहीं आए अभी। हेलो गाइस, कुल्लू कहाँ है? कुल्लू कहाँ है? कुल्लू गोल। मुझे नहीं पता, मैं तो खुद आपसे पूछ रही कहाँ है। हमें भी नहीं पता। कुल्लू बाल कटाने गया कि नहीं बनने जा रहा है। के साथ होगा, मुझे क्या पता। हम तो कुछ नहीं ला, पता नहीं की दुकान हमसे क्या क्या। मैं सोच रही पता नहीं क्या ला रखी है आप खाने के लिए। मैं कोई बात नहीं, अगला मीर मशा से दिया हुआ। ऐसे ही करते हो, गली 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 से ले जाते हैं। पता ही नहीं अगले दिन कुछ नहीं। एक तो बारिश भी है ना। मैं पता ही नहीं ना कि हाँ, केले तो मुझे पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, इतनी स्टैंडर्ड दवाई आ रखी कि उस डब्बे में रसगुल्ला जैसे डब्बा। प्रोटीन पाउडर है वो। अच्छा, तुम्हारा? मम्मी का। तगड़ी हो बात जी कि हम आ रखे हैं सुभारती कॉलेज में इनकी डिग्री लेने के लिए। और देहरादून में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इसीलिए हमें पहना है। ये तो हॉस्पिटल स्टोर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो भैया कोई अपना कॉलेज कैसे भूल सकता है, अपने कॉलेज अपना डिपार्टमेंट ही भूल गए हम हॉस्पिटल वाले एरिया में। उन्होंने यहाँ से बीएड करा था और पहले भी आ रखी हूँ मैं यहाँ। इनका डिपार्टमेंट है 4th फ्लोर पे और लिफ्ट भी नहीं है। हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, लिफ्ट होगी भी शायद, क्या पता, तो हमें पता नहीं है। अरे और कितना ऊपर, ऊपर गई टेरेस पे ना पहुंच जाए। यहाँ देखो दोस्तों, वेस्ट मटेरियल से कितनी बड़ी फिश बना रखी है। ये रहा सुभारती कॉलेज। ओ भैया, नारियल कितने के दिए? 70 रुपए दिए। बोलो कि गाय ऐसे भी तो चल
गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर मंदिर नहीं हम जा रहे हैं मॉल में मॉल जा रहे हैं गाइस सास जी हैं और ये जा रहे हैं दोनों एमएम थे ना तो मैं मॉल वो कंफर्टेबल गाड़ी है ना उसमें पकड़ने का बजट के अकॉर्डिंग चलना 6 महीने से मैं आज शॉपिंग करूँगी 6 महीने नहीं तुम अपना बजट बताओ ना मुझे कितना बजट है तुम्हारा 1-2 लाख डेढ़ 2 हजार सास जी देखो हमारी आगे से जा रही हैं और डर रही हैं गाड़ी में गए हैं हम वी मार्ट और ये लोग कर रहे हैं गाड़ी पार्क हम आए बच्चों वाले उसमें डेढ़ सौ का ये ऐसे हमारे भी मिल जाते 150 का ये सारा बच्चों का हुआ है डमरू के लिए अब डॉल ले जाने के डमरू के लड़कियों के कपड़े कम हो गए थे नहीं इससे अच्छा वो हाथी लग रहा कितना सुंदर लग रहा है देखो डमरू लड़की होता था उसके लिए हम एक कश्मीरी लड़की लेके चले डमरू के लिए जाने को डमरू बेटा पसंद आ रही चलो तो यहाँ देखो लॉलीपॉप डमरू के लिए इतना ही डमरू भी होगा इतना ही वो भी होगा लॉलीपॉप